नमस्कार मित्रों, मैं हूं हरिगोपाल शर्मा और आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे अपने एपिसोड में शंख के बारे में। शंख को घर पर किस तरह से स्थापित करना चाहिए और शंख घर पर है तो कैसा शंख रखना चाहिए, और एपिसोड में ये भी बताएंगे कि वो एक प्रयोग जो शंख के द्वारा आप करेंगे तो आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। शंख लक्ष्मी जी का भाई कहा जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले तो उसमें एक शंख भी निकला जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में शंख चक्र गदा पद्म, इन चार आयुधों को लेकर के सभी देवताएं प्रकट हुए। तो शंख का वैदिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से दोनों से विशेष महत्व है। वैदिक दृष्टि से शंख यदि घर में होता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। शंख की ध्वनि करने से घर में से अरिष्टों का निवारण हो जाता है और सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप बाजार से जब शंख लाएं, शंख दो तरीके के हैं, दक्षिणावर्ती शंख और वामावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख बड़ा दुर्लभ होता है। आजकल मार्केट में दक्षिणावर्ती शंख नकली बिकता है, इसलिए सोच समझ करके ही दक्षिणावर्ती शंख खरीदें, सर्टिफाइड दुकान से खरीदें। और वामावर्ती शंख पूजा में भी प्रयोग होता है तो वो आसानी से मिल जाता है। तो आप जो भी शंख घर ला रहे हैं उस शंख को लाने के बाद उसका पंचामृत से अभिषेक करें। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शंख को सूर्य और चंद्रदेव के समान देव स्वरूप माना गया। शंख में वरुण देव का वास है, शंख के पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी का निवास है और शंख के मूल में मां गंगा और सरस्वती का निवास माना गया है। तो देव तुल्य मान करके शंख का पूजन करें, लाने के बाद पंचामृत से अभिषेक कराएं, उसको चंदन लगाएं, उसको पुष्प अर्पित करें और ऋतु फलों का भोग लगाएं। उसके बाद शंख को, जैसे मेरे सामने मंदिर है तो अपने सीधे हाथ की तरफ रखना चाहिए, किसी पीले या लाल वस्त्र पर, या एक तिपाई आप पीतल की बनवाएं या चांदी की बनवाएं, उस पर शंख को स्थापित करना चाहिए। शंख को कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए। शंख को जिस तरफ का भाग खुला रहता है उस तरफ से रखना चाहिए और शंख को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। शंख में रोज जल भर करके रखना चाहिए और जब अगले दिन आप उस जल को बदलेंगे तो उस जल को पूरे घर में छिड़कने से घर में से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और सुख शांति समृद्धि का वास होता है। और आप जो घंटी रखते हैं उसको अपने उल्टे हाथ की तरफ रखेंगे, बाएं भाग की तरफ घंटी रखनी चाहिए और दाहिने भाग की तरफ शंख रखना चाहिए। तो आपको, जैसे आप अपने ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं तो शंख में जल भर करके, गंगा जल भर करके, या विशेष अवसरों पर पंचामृत भर करके उसी से आपको ठाकुर जी का अभिषेक करना चाहिए। नित्य प्रति जैसे आप अपने देवताओं का, अपने ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं उसी तरह शंख को स्वच्छ करके उसको भी चंदन लगाना चाहिए, जिससे शंख हमेशा जागृत रहता है। शंख से सकारात्मक ऊर्जा निरंतर निकलती रहती है। शास्त्र कहते हैं शंख की ध्वनि जहां पर होती है वहां पर लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया आपको, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का भाई है, क्योंकि समुद्र से ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई और समुद्र से ही शंख प्रकट हुआ, तो दोनों में बहन भाई का संबंध है। तो शंख को हमेशा सीधे रखें, उसमें जल भर करके रखें, शंख को कभी खाली नहीं रखना चाहिए तो सुख समृद्धि का वास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विज्ञान कहता है कि शंख को बचाने से फेफड़े, गले के रोग और हृदय के रोग ये सभी शांत होते हैं। अब हम वो एक प्रयोग बता रहे हैं जिसको करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। आप एक शंख लें, चाहे वो दक्षिणावर्ती शंख हो चाहे वामावर्ती शंख हो, उस शंख में 108 चावल के दाने लें,
उनको या तो हल्दी से या रोली से लाल कर लें या पीला कर लें, और एक एक करके एक एक दाने को शंख के अंदर डालना है। श्रीम श्रियै नमः, श्रीम श्रियै नमः, श्रीम श्रियै नमः, एक एक बार मंत्र बोलते जाएं और एक एक दाना उस शंख के अंदर डालते रहें। 108 चावल के दाने डालने के बाद उस शंख को लाल या पीले कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में या आपका घर का जहां कोष है वहां रखने से घर में निरंतर लक्ष्मी जी का वास रहता है और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इस पूरे एपिसोड में हमने आपको बताया कि शंख को देव तुल्य मान करके उसका पूजन करना चाहिए, और शंख का जो चावल का प्रयोग हमने बताया, इसको करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आप सभी का कल्याण हो, मां लक्ष्मी आपके घर में निरंतर वास करें। जय श्री राधे।